नमस्कार कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कुमार ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है और अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपकी देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो अगले 72 आवर्स में जो कैंसर के पर्सन हैं आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी कैंसर पर्सन के लिए। तो चलिए कैंसर, सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं राइट नाउ। 9 of Wands, द एम्परर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको लगता है कि आपको इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि जो ये रिश्ता है इसमें जो रुकावटें आई है, रिश्ता खराब हुआ है तो वो दोनों तरफ से ही खराब हुआ है, ना तो आपने किया है ना आपके पर्सन ने किया है। तो रिश्ते में रुकावट जो भी सिचुएशन रही है दोनों तरफ से ही परेशानी आई है, दोनों तरफ से ही रिश्ता खराब हुआ है। अभी भी किसी मतलब अभी भी इस रिश्ते में बेकरारी, बेचैनी है, मतलब अभी भी किसी दर्द से गुजर रहे हैं। तो इसलिए और लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर वो अब इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये रिश्ता हाथ से जा सकता है। लेकिन अगर वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं आपके लिए कि आप इतने हार्श ना हो, इतने हार्ड ना हो, इतना आप इतना स्ट्रांगली बिहेव ना करें। तो आप वो चाहते हैं कि आप इसमें एक डिसाइड करें, एक मतलब इसमें एक डिसीजन लेके आप इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस ये रिश्ता अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो यूनिवर्स दे रहे हैं तो धीरे धीरे करके ये अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, इस रिश्ते को खुशहाल बना सकती है। प्रोस्पेरिटी, धन दौलत, सुख समृद्धि, खुशहाली सब कुछ इस रिश्ते से हो सकता है। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं फिर से इस रिश्ते में बाहर आ सकती है, क्योंकि जो परेशानी तकलीफ हुई है वो दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से नहीं हुई, इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। और वो चाहते हैं कि वो इतना रूड ना हो, इतने सख्त ना हो, इतना सख्त मिजाज ना अपनाए, वो इतना स्ट्रांगली बिहेव ना करे, और इस रिश्ते में वो एक डिसीजन ज़रूर ले। और डिसीजन ये होना चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें और धीरे धीरे करके ये अपॉर्चुनिटी खुशियों में तब्दील हो सके। तो देख लेते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड 3 of Cups। जी, आप इसे अपने चाहते हैं कि उनके पर्सन इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, रिश्ता स्टेबल नहीं बन पा रहा था, तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाए। इस रिश्ते में अगर वो स्टेबिलिटी लाएंगे इस रिश्ते में, क्योंकि दोनों तरफ से इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, एक दूसरे की खुशियां इस रिश्ते से जुड़ी हुई हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कैंसर के उनके पर्सन, क्योंकि ये रिश्ता दोनों तरफ से ही अगर इक्वल होगा, बराबर होगा, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से प्यार प्रेम करेंगे, तो ही इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, तो ही इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, और जो परेशानी, जो दुख, तकलीफ इस रिश्ते में रही है वो ख़त्म हो सकती हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि एक डिटर्मिंड बंदे की तरह, मतलब एक जैसे सिपाही
अरण भूमि में आगे बढ़ता चला जाता, वो पीछे हटने का नाम नहीं लेता। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ एक सिपाही की तरह अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, करेज और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, वो हिम्मत नहीं हारेंगे, तो ये रिश्ता जो है आगे खुशियों में तब्दील होगा। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट उनके साथ हो जाता है, फैमिली के साथ मिलजुल कर एक गेट टुगेदर करते हैं, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो उनके इमोशंस हैं, जो उनकी बातें हैं, अगर एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो ये रिश्ता जो है चीयरफुल हो सकता है, खुशियों में तब्दील हो सकता है, काफ़ी खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं। और जो इम्बैलेंस रिश्ता हो रहा था, अप एंड डाउन जो जा रहा था, तो वहाँ जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो वो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी और ये रिश्ता चीयरफुल होगा, इस ये रिश्ता खुशहाल होगा, तो ऐसा वो उनके लिए महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में जो कैंसर के पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या इन दिनों वो कोई एक्शन लेंगे इस रिश्ते में। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जी तो कैंसर, जो आपके पर्सन हैं, इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा था, जो फाइट चली हुई थी, जो जिस वजह से तो वो कन्फ्यूजन में थे और उनकी ईगो हर्ट हो रही थी, यहाँ तक कि इस रिश्ते में मारपिटाई भी दिखाई दे रही है, तो वो इस लड़ाई झगड़े को, इस फाइट को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस स्ट्रेस को, इस एंजाइटी को ख़त्म करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि बहुत हो चुका, अब इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, भले ही वो एक दूसरे के इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हैं, भले ही वो एक अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशंस दोनों तरफ से हैं, प्यार दोनों तरफ से है, और दोनों ही इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते में आगे अगले 72 आवर्स में क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं, खुलकर बातें करने वाले हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन हो जाता है, खुलकर बातें हो जाती हैं, तो चाहे दुख किसी को भी हो, कैंसर को हो या उनके पर्सन को दुख हो, लेकिन अगर क्लैरिटी आएगी, निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएंगी, तो ये जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है, ये सारा ख़त्म होगा और अगले 72 आवर्स में जो प्यार प्रेम है वो आगे बढ़ेगा और एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। तो वो यही इस रिश्ते में एक्शन लेने वाले हैं, इस लड़ाई झगड़े ख़त्म करते हुए, कि इसमें निष्पक्ष भावना से इस रिश्ते में एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं, खुलकर बातें करने वाले हैं, क्योंकि जब तक इसमें खुलकर बातें नहीं होंगी तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, और इस रिश्ते में दोनों तरफ से इमोशन से प्यार है, प्रेम है, और ये रिश्ता आगे फिर से बढ़ सकता है, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगले 72 आवर्स में कोई ना कोई एक्शन वो इसमें ज़रूर लेने वाले हैं, एक्शन ले सकते हैं, इस लड़ाई झगड़े को वो ख़त्म कर सकते हैं, फिर से ये प्यार प्रेम में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रही है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी अगर आप पैसे पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में लग रहा कि जो पैसा, प्रॉपर्टी जो है, इसमें इश्यूज बने हुए हैं, आप एक दूसरे पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, और जिस वजह से अगर जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, बिलीव नहीं किया जा रहा है, तो अगर एक दूसरे पर आप भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास, इतना विश्वास आप ज़रूर रखें कि
के जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो भरोसा नहीं किया जा रहा है, एक दूसरे पर भरोसा कर सके, और जिस चीज़ के लिए भी ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हो सकता है कि पैसे के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले आप उस पर वर्कआउट करें। क्योंकि अगर आप, क्योंकि इस रिश्ते में जितना भी आप मेहनत करेंगे अपने प्रॉपर्टी के लिए या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, नेम और फेम होना, सारी चीज़ें वापस आपको मिल सकती हैं। तो आप उन चीज़ों के लिए काम कीजिए, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहे हैं, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। और आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। आप एकदम जंप मत लगाइएगा। और पैसे के, प्रॉपर्टी के लिए भी आप जिसको आप महसूस करते हैं कि आप खुद पर जो मतलब अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे पर, या अपने मेहनत जो भी आप मेहनत करते हैं उस पर आप बिलीव भरोसा करते हैं, तो उन चीज़ों पर भी आप साथ साथ फोकस कीजिए, क्योंकि उससे भी रिश्ते में जो है, जो भी प्रॉब्लम रही है वो भी ख़त्म होगी कहीं ना कहीं। तो और इस रिश्ते में सोच विचार करके आप अपनी एनर्जी, एफर्ट, मेहनत लगाइए। जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा कीजिए। जो इन एंड आउट की स्थिति रही है वो चीज़ें, उसमें सुधार होगा और एक दूसरे पर भरोसा बनेगा, और फिर से रिश्ता जो है करवट लेगा, फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, और धीरे धीरे इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, नेम और फेम होना, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। तो आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी है। और जो भी आप जो भी ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव भरोसा कीजिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी है, जो भी आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो दोबारा से करने लगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।